हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग फिल्म ब्लेड के रीबूट वर्जन की आई हुई कुछ अपडेट्स के बारे में, जिससे जुड़ी हुई एक और रूमर भी काफी ज्यादा चल रही है कि एमसीयू की तरफ से ब्लेड और अंडरवर्ल्ड फिल्म का क्रॉसओवर होने वाला है। चलिए इन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आते हैं ब्लेड और अंडरवर्ल्ड फिल्म के क्रॉसओवर पर। क्या एक्चुअल में ये अपडेट निकलकर कहां से आई है? वेल, तो ये कोई अपडेट नहीं बल्कि केट बेकिनसेल का इंटरव्यू था जो अपनी अपकमिंग फिल्म जॉल्ट को लेकर दे रही थी, और वहां उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कोलाइडरल वालों की तरफ से कि वो एमसीयू के यूनिवर्स में किस कैरेक्टर का रोल प्ले करना चाहती है, जिसके जवाब में उनके दिमाग में एक आइडिया था अपनी फिल्म ब्लेड को लेकर। यानी कि क्लियरली कहूं तो केट बेकिनसेल चाहती है कि इन दोनों ही फिल्मों का क्रॉसओवर हो, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी मेंशन की है कि एमसीयू की से सिर्फ और सिर्फ ब्लेड के रीबूट वर्जन पर ही फोकस किया जाएगा, और हाँ ब्लेड के कैरेक्टर पर, इसलिए ये चीज फिलहाल तो होना पॉसिबल नहीं है। तो उनकी इसी कोट को कई लोग रूमर बनाकर फैला रहे हैं कि ब्लेड और अंडरवर्ल्ड फिल्म का क्रॉसओवर होने वाला है, जो कि फिलहाल तो अभी के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि एमसीयू के पास ब्लेड का पूरा यूनिवर्स है जिसमें वेयरवुल्फ भी है। और हाँ, जो रूमर वेयरवुल्फ के यूनिवर्स के लेकर निकल कर आई है एमसीयू के अंडर, वो कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि जहां ब्लेड भी है एमसीयू के यूनिवर्स में, यानी कि वैम्पायर हंटर, तो वैम्पायर्स के अलावा अब एमसीयू के यूनिवर्स में वेयरवुल्फ भी होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो अभी जैसे कि मैंने कहा, एमसीयू का पूरा फोकस ब्लेड और वैम्पायर के इर्द-गिर्द ही रहेगा। इसलिए अब रिसेंटली इस फिल्म को लेकर अपडेट इस फिल्म के डायरेक्टर के लेकर निकल कर आई है, जिसे डायरेक्ट करने के लिए बसम तारिक को चुना गया है, जिन्होंने अब तक अपने करियर में कोई भी बड़ी फिल्में नहीं बनाई है। यानी कि एमसीयू की तरफ से फिर एक और एक मौका नए टैलेंट को दिया जा रहा है, जैसे टैलेंट हमने एमसीयू के यूनिवर्स में होते हुए कई बार देखे हैं, और कुछ डायरेक्टर्स ने अपने कामों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एमसीयू के अंडर किया है। एग्जांपल जेम्स गन, स्कॉट डेरिक, जॉन वॉट्स और रूसो ब्रदर्स का है आपके पास। इसके अलावा कुछ न्यू टैलेंटेड डायरेक्टर्स जैसे कि थॉर द डार्क वर्ल्ड, कैप्टन मार्वल और ब्लैक विडो फिल्म के ही डायरेक्टर को ले लो, जिनकी तरफ से उनका 100% नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि अब ब्लेड फिल्म के अपकमिंग डायरेक्टर बसम तारिक कुछ अलग नहीं करेंगे, बल्कि उनके काम को ही देखकर केविन फैगी ने ये डिसीजन लिया होगा। ऊपर से उन्होंने जिस तरीके की फिल्में पास्ट में बनाई है, मगुल मोगली जैसी, तो उसे देखकर तो ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ आती है कि इस ब्लेड फिल्म में हमें मार्शल एली जैसे काफी टैलेंटेड एक्टर देखने मिलने वाले हैं, तो उनके लेवल को मैच करता हुआ डायरेक्टर भी इस फिल्म को चाहिए। और सिर्फ दो ही टैलेंटेड नाम इस फिल्म के साथ में अब नहीं जुड़े, बल्कि इस फिल्म की कहानी लिखने की जिम्मेदारी स्टेसी और साई कोफोर को दी गई थी, जिन्होंने लगता है अब अपने काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा, इसलिए अब इस फिल्म के डायरेक्टर की कंफर्मेशन निकल कर आई है। लेकिन फिल्म फैंटास्टिक फोर की सिचुएशन अलग है, जिस फिल्म के सिर्फ और सिर्फ जॉन वॉट्स के डायरेक्टर की ही कंफर्मेशन की गई है, बाकी दूसरे और किसी की भी नहीं। लिटरली उस फिल्म के लिए अब तक ना कास्टिंग और ना ही राइटर्स की सिलेक्शन की गई है, लेकिन प्रोजेक्ट अब भी अंडर गोइंग है। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये फिल्म एमसीयू के यूनिवर्स की आर रेटेड रहेगी, या फिर एमसीयू की बाकी दूसरी फिल्मों की तरह इस फिल्म को भी ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।